इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे इन ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और स्विच। तो बारी बारी इन सबको देख लेते हैं। हम एक कॉलम क्रिएट करते हैं। और इसका नाम देते हैं लाइक ग्रुप्स। इफ ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है जहाँ पे हम ये कंडीशन चेक करेंगे। जो पहला ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है वो है और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट इज इक्वल मैथ और सब्जेक्ट इज इक्वल टू फिजिक्स। अगर इसका अगर इन दोनों में से कोई भी हो तो इसको हम देते हैं इसका नाम हम रखेंगे ग्रुप वन, अदरवाइज ग्रुप टू। तो ये देखें, जहाँ पे फिजिक्स है ग्रुप वन है और जहाँ केमिस्ट्री का ग्रुप टू है, मैथ का ग्रुप टू है। इसको हम फर्दर इन्हेंस करते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एक और ग्रुप हो, जैसे फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर। यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर भी डालना चाहें तो हम कोई भी कॉलम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो और ऑपरेटर है वो सिर्फ दो पैरामीटर लेता है, लॉजिकल वन और लॉजिकल टू। अगर हमें तीसरा भी अगर डालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशन, और इस और के अंदर पहला जो लॉजिकल है, लॉजिकल कंडीशन जो है ये वाली, यहाँ तक पहली कंडीशन हो जाएगी और यहाँ पे हम देंगे दूसरी, तो फिर ये ग्रुप वन हो, अदरवाइज ग्रुप टू हो। तो ये जो और थी, इसका पहला जो पैरामीटर था वो था ये वाला, ठीक है, ये वाला पहला पैरामीटर था इसका, और ये वाला जो है कंप्यूटर, ये इसका दूसरा पैरामीटर है, ठीक है, दो हमने इसमें दे दिए। तो अब देखें, कंप्यूटर जहाँ पे मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर आ रहा है, वहाँ पे ग्रुप वन है, बाकी में ग्रुप टू है। तो अगर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो सकता है, इफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ पाइप डबल पाइप अगेन डबल पाइप अगर मैथ हो, फिजिक्स हो या कंप्यूटर हो तो ग्रुप वन, अदरवाइज ग्रुप टू। इसकी कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये वाली, इसको एंटर करें तो हमारे पास सेम, हमने वैसा का वैसा रिजल्ट हमने गेन कर लिया इसके अंदर। ये था और ऑपरेटर। इसी तरह हम एक और ग्रुप यहाँ पे करते हैं एंड। तो उसमें क्या होगा, हम इसका दूसरा एक कॉलम बनाते हैं, ग्रुप विद एंड। इसकी जो एक्सप्रेशन होगी इफ, सेम उसी तरह पहला एंड ऑपरेटर, और इसके अंदर दो कंडीशन हमने देनी है। पहली है कि लाइक मिड टर्म मार्क्स इज ग्रेटर देन 15, और दूसरा है फाइनल टर्म मार्क्स इज ग्रेटर देन
40, तो इसका नाम ग्रुप वन है, अदरवाइज ग्रुप टू। तो ये देखें, ये हमारा कंप्लीट फार्मूला था। मैं सेकंड लाइन पे कर लेता ताकि मैं पूरा नज़र आ जाए जूम के अंदर। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ग्रुप वन ग्रुप टू, अगर मीटर मास ग्रेटर देन 15 है, ये जैसे कि 20 है, और जो फाइनल मास है वो 55 है, तो ये आ गए। इसी तरह आप अगर हमने इसके अंदर तीन कंडीशन अगर हमने इसके अंदर लगानी हो, तो एक तो तरीका ये है कि हम बाहर एक एंड लगा दें जैसे हमने और के अंदर किया था, और दूसरा इसके अंदर यह है कि आप डबल एंड भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कि अगर हमें एक से ज़्यादा हमने अगर दो से ज़्यादा हमारे पास कंडीशन हैं तो हम डबल एंड ऑपरेटर ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक तीसरी भी हम लगाना चाहें तो एक और डबल एंड आप लगा के उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप और एंड को भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो मैं दोबारा पहले वाली जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिखता हूँ। अब ये एंड के साथ अगर हमने ये मैंने पहली वाली कंडीशन जो पहली वाली एक्सप्रेशन थी एंड ऑपरेटर के साथ वो मैंने लिख दी है, अब मैं इसके साथ और को कंबाइन करता हूँ, और ऑपरेटर, और इसके अंदर ये जो है ये पहला इसका कॉलम है लॉजिकल ऑपरेटर वन, और दूसरे में मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ। यहाँ पे देखें आप, ये इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर मैथ, जहाँ जहाँ मैथ आएगा वहाँ पे भी ग्रुप वन आ जाएगा, और जहाँ पे मीटर मार्क्स ग्रेटर देन 15 है और फाइनल मार्क्स ग्रेटर देन 40 है, वहाँ पे भी ग्रुप वन आ जाएगा। इस तरह आप एंड और जो ऑपरेटर्स हैं उनको आपस में आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा एंड हो गया और हो गया। इसके बाद हम तीसरा जो है एक और कॉलम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, उसका हम नाम देते हैं ग्रुप विद इन, इफ सब्जेक्ट इन, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिक्स मैथ कंप्यूटर। अगर जो मार्क्स सब्जेक्ट है वो इस लिस्ट के अंदर हो, फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर के अंदर, तो इसका हम नाम दे देंगे ग्रुप वन, अदरवाइज ग्रुप टू। ये इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन इसकी, और ये देखें जहाँ पे हमारे पास फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर है वहाँ पे ग्रुप वन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इन ऑपरेटर हो गया। इसके बाद हम जो हमारा लास्ट है वो है स्विच न्यू कॉलम, तो ग्रुप विद स्विच, लाइक हम इसका नाम देते हैं एब्रीविएशन और यहाँ पे हम लिखते हैं स्विच। इसका जो पहला जो पैरामीटर है ये है एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स, ये हमारी एक्सप्रेशन, और फिर हम इसमें चेक करेंगे कि अगर फिजिक्स है तो इसकी जगह हमें वो लिखते हैं इसकी एब्रीविएशन PHY फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह हम बाकियों को भी लिख लेते हैं, अगर बायो हो तो वो उसको वो कर दे बी। अदरवाइज एल्स केस में हम यहाँ पे लिख देते हैं अननोन,
ये हमारा स्विच हो गया कि अगर फिजिक्स है तो उसको पीएच वाई कर दे, केमिस्ट्री है तो सीएच कर दे, इस तरह बाकी एप्लीकेशन हमने लिखनी है, तो इसको हम एंटर कर देते हैं। अब देखें ये पीएच वाई सी एच एम टी एच ये सारे एब्रीवेशन यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। तो ये है कि स्विच कैसे वर्क करता है। इसमें हमने इस वीडियो में हमने देखा है कि और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, इन ऑपरेटर और स्विच।